आज का मौसम बड़ा प्यारा है उन्हीं फिल्मों की तरह जिसके डायरेक्टर की हम बात करने वाले हैं। 2007 में आई थी फिल्म जब वी मेट, इसके डायरेक्टर थे इम्तियाज अली। इनकी फिल्मों के हर एक कैरेक्टर से हम काफ़ी जुड़ा महसूस करते हैं। इनकी कहानियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो हमें अपनी कहानी जैसी लगती है। तो आज हम आपको इम्तियाज अली की कहानी बताएंगे, उनसे जुड़ी कुछ बातें। इम्तियाज का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। इनके पापा मंसूर अली सिंचाई का काम करते थे। बचपन में अपने पापा के साथ खेतों में निकल जाते, तब ऐसा भारत अपने मन में बसाया जिसमें चमक दमक नहीं थी। शायद इसलिए इनकी फिल्मों में वो भारत दिखता है जो दिखावे से एकदम परे है। इम्तियाज के पेरेंट्स पटना में रहते थे, लेकिन वो अपने भाई आरफ के साथ जमशेदपुर में अपनी आंटी के पास करीम मेंशन में रहा करते थे, जहां इनके पास 3 थिएटर थे। इनमें से 2 इनके घर से जुड़े हुए थे। सिनेमा इनकी 4 बजे वाली फ्रेंड बन गई थी। यहीं से इनका सिनेमा के लिए पैशन बढ़ा। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की, जहाँ वो थिएटर भी किया करते थे। उन्होंने ही कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी इब्तिदा शुरू की। वो भी ऐसे ही कंफ्यूज थे जैसे आज के 18 साल के युवा होते हैं। लेखक, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, कॉपीराइटर में से कुछ बनना चाहते थे। MBA की पढ़ाई करना चाहते थे। आखिर में उनका मन फिल्म मेकिंग पर आकर रुका। ग्रेजुएशन के बाद इम्तियाज मुंबई चले गए और उन्होंने सेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया। उन्होंने ZTV का शो कुरुक्षेत्र और स्टार प्लस का शो इम्तिहान डायरेक्ट किए। डायरेक्ट करते हुए ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो इसके लिए नहीं बने और उन्हें लाइफ में कुछ और करना है। 2005 में इनकी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म आई सोचा ना था। बॉक्स ऑफिस पर तो ये कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया। इस फिल्म को बनाने में उन्हें 4 साल लगे, लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने काफी कुछ सीखा। इसके बाद उन्होंने 10 स्क्रिप्ट्स लिखी, जिन पर आगे चलकर रॉकस्टार, हाईवे और जब वी मेट जैसी फिल्में बनी। पहले तय हुआ था कि जब वी मेट का नाम ट्रेन रखा जाएगा। ये 2007 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इसकी तुलना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी कल्ट क्लासिक से की गई। लेकिन इम्तियाज को समझ नहीं आता कि लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद कैसे आई। उन्हें लगता है कि ये फिल्म बनाने लायक भी नहीं थी। रॉकस्टार के लिए इम्तियाज की पहली पसंद दीपिका थी, लेकिन जैसे ही स्क्रिप्ट आगे बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि इसमें और लव आजकल में काफी सीन एक जैसे हैं। लव आजकल में लीड हीरोइन दीपिका ही थी, इसलिए उन्होंने आखिर में रॉकस्टार के लिए नरगिस को कास्ट कर लिया। प्रीति से तलाक होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादियां बड़ी नकली होती हैं, ये बहुत सारी शर्तों के साथ आती हैं, ये करो ये मत करो, इसके चक्कर में आप अपने मन को मारते रहते हो। उनके मुताबिक वो ऐसे नहीं रह सकते, वो बहुत खुले दिमाग के हैं और वो बस अपने मन की करते हैं। इम्तियाज जल्द ही अपनी अगली फिल्म हैरी मेट सेजल लेकर आने वाले हैं, जिसमें लीड रोल में आपको शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा दिखेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दी ललन टॉप सब्सक्राइब करें।